नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक और कल्याण मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी ताकि उन्हें अंतरिम बेल मिल सके, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें जो है बिल्कुल भी राहत नहीं मिली और नवाब मलिक को वापस से जेल भेज दिया गया, यानी उनकी बेल की जो अर्जी थी उसे खारिज कर दिया गया। अब नवाब मलिक के बाद अब छोटे नवाब यानी फराज मलिक को ईडी जो है तलब करती नजर आ रही है। बता दें कि ईडी ने इससे पहले फराज मलिक को दो बार तलब किया था, लेकिन फराज मलिक नहीं आए। कल भी फराज मलिक को, कल का जो डेट था 15 मार्च, उस दिन के लिए तलब किया गया था, लेकिन फिर से फराज मलिक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब ईडी जो है उनसे तीसरी बार तलब करने की तैयारी में जुट चुकी है। क्या है पूरा मामला, किस लिए ईडी लगातार उन्हें तलब करती जा रही है, नवाब मलिक के मामले से इसमें क्या कुछ जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम आपको जरा संक्षेप में बता देते हैं। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक की जो मुश्किलें हैं बढ़ी हैं। मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट राहत नहीं मिली और उन्हें वापस से जेल भेज जाना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के विपक्ष मलिक के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। बता दें कि आज जो है नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को एक बार फिर से समन भेजने की तैयारी कर रही है। ईडी इससे पहले भी फराज मलिक को समन कर चुकी है, लेकिन तब वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो पाए थे। अब बता दें कि ईडी के हवाले से बताया गया है कि ईडी ने 15 मार्च को महाराष्ट्र के नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। यह दूसरी बार था जब एजेंसी ने फराज को तलब किया था। अब जल्द ही उन्हें तीसरा समन भी भेजा जाएगा। मुंबई के कुर्ला में मौजूद गोवा वाला बिल्डिंग के सौदे और भुगतान के बारे में ईडी फराज से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर भी पैसे की जो है थोड़ी सी हेर फेर की गई है। वही गौरतलब है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी घमासान देखने की मिल रहा है, सियासी बयानबाजी जो है लगातार जारी है। साथ ही मलिक की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए राज्य के डिप्टी सीएम सहित कई नेताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया था। अब इसमें क्या है, नवाब मलिक फिलहाल जो है न्यायिक हिरासत में है। पहले ईडी की हिरासत में थे, फिर उन्हें जो है 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद कल जो है नवाब मलिक का ये कहना था कि ईडी जो है ईडी ने उन्हें गलत तरीके से, अवैध तरीके से उनकी गिरफ्तारी की है और इस पूरे मामले में उन्हें राहत मिलनी चाहिए, अवैध गिरफ्तारी के मामले में उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और कोर्ट ने इस पूरे फैसले में ये बताया कि इस पूरे मामले में नवाब मलिक का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इस वक्त चल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें जेल हुई है, इसमें कई सारे जो है मुद्दे लेकर आए गए, लेकिन उन मुद्दों पर अभी भी पूरी तरीके से बातचीत नहीं हुई है। तो ऐसे में इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी और भी समय लगेगा। कई सारे पहलू है जो खुलना बाकी है, कई सारे जो विषय उठाए गए थे उन पर चर्चा होनी बाकी है। तो ऐसे में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होने, सभी विषय पर डिस्कस करने में अभी टाइम बाकी है और ये समय के साथ इन पर किया भी जाएगा, जिसे लेकर डेट भी जारी किया जाएगा। और इसीलिए अभी फिलहाल नवाब मलिक को किसी तरीके की कोई भी जो राहत है वो कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई। अब ये भी आपको बता दें कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी जो है हाल ही फिलहाल में हुई थी, क्योंकि नवाब मलिक के ऊपर 1993 बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड यानी दाऊद इब्राहिम के साथ तार जुड़े होने और उनके जो गुर्गे हैं जो हसीना पारकर के करीबी हैं, उन लोगों से काफ़ी महंगी ज़मीन, कोई 300 करोड़ की ज़मीन, कोई 3 करोड़ 50 लाख रुपये की ज़मीन महज 20 लाख 30 लाख रुपये में खरीदे के आरोप है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये आरोप किसने लगाया था। दरअसल 2021 के आखिरी या नवंबर या दिसंबर के महीने में जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता उस वक्त जो है नवाब मलिक काफी ज्यादा सुर्खियों में थे, क्योंकि उस वक्त मुंबई का ड्रग मामला चल रहा था। मुंबई का ड्रग मामला चलने के तहत नवाब मलिक लगातार जो समीर वानखेड़े हैं उनके ऊपर बयानबाजी कर रहे थे। समीर वानखेड़े पर बयानबाजी करते करते उन्होंने बीजेपी को लपेटना शुरू किया, बीजेपी के साथ मोहित कांबोज को लपेटा, उसमें देवेंद्र फडणवीस को लपेटा, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को बेटा, और इस तरीके से जो मामला है ये बढ़ते गया, जिसके बाद एक के बाद एक खुलासे होने का सिलसिला जो है लगातार देखने के लिए मिला। पहले मोहित कांबोज और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रेस से बात करते हुए ये बात बताई और गंभीर आरोप लगाया कि नवाब मलिक की जो है कई सारी ऐसी संपत्ति है, 5 में से 4 ऐसी संपत्ति है जो कि 1993 बम ब्लास्ट से जुड़े हुए लोगों से खरीदी गई है, जिनका दाऊद से तार है और जो कि मार्केट प्राइस काफी ज्यादा है, लेकिन उससे काफी
सस्ते दाम में उन्हें खरीदा गया है। और ये मामले को लेकर उन्होंने ये कहा था कि उनके पास इस पूरे मामले के कच्चे चिट्ठे यानी पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जितने भी जो केंद्र की एजेंसियां हैं, आपको बता दें कि केंद्र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBI, ED, इन सभी को एक एक कॉपी भेज दी गई है। और इन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पूरे मुद्दे पर जल्द कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। और ऐसे में 2021 में आखिरी में इन्होंने ये दावा किया था कि इन्होंने कॉपी भेज दी है। 2022 यानी अभी जो है हाल फिलहाल में इस पर कार्रवाई देखने के लिए मिली, जब ईडी अचानक से सुबह के 5:30 बजे नवाब मलिक के घर पहुंचती है, उसके बाद 7:30 बजे वहां से लेकर निकलती है, 7:45 तकरीबन 8 बजे के आसपास ईडी अपने मुंबई वाले ऑफिस में वहां लेकर आती है, भारी पुलिस बल की तैनाती की जाती है, वहां पर ट्रैफिक डायवर्जन भी किया जाता है। लगातार ये चल रहा होता है कि आखिर कौन से मुद्दे को लेकर ईडी उन्हें लेकर गए, क्योंकि उस वक्त तो कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती है। 7 से 8 घंटे तक लगातार जो है पूछताछ चलती है, पूछताछ के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला लेती है, जो ईडी बाद में आके बताती है कि दाऊद इब्राहिम के भाई जो कास्कर है, कास्कर ने नवाब मलिक का नाम लिया था, नवाब मलिक से जुड़े हुए कुछ जो है उन्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले थे, जिसके बाद नवाब मलिक से पूछताछ की जा रही थी। 7-8 घंटे चली पूछताछ में नवाब मलिक ने सहयोग भी नहीं किया, और जो जवाब उन्होंने दिए वो जवाब संतोषजनक नहीं थे। इसके बाद ईडी ने उन्हें अपने हिरासत में लेने की बात कही। इस दौरान जब ये खबर निकलकर सामने आई तो नवाब मलिक बाहर आए, हाथ लहराते हुए उन्होंने कहा कि लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और वहां से मुस्कुराते हुए निकल गए। इसके बाद फिर अपडेट आई थी कि नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां फिर उनको देखा गया कि वो पूरी तरीके से हेल्दी हैं, वापस उन्हें ईडी के पास भेजा गया। उसके बाद एक स्पेशल PMLA कोर्ट में उनकी जो है याचिका की सुनवाई की गई, उनकी जो केस है उसकी सुनवाई गई, और उस PMLA कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा, क्योंकि ईडी ने अपनी हिरासत में उन्हें लेने की वापस से मांग नहीं की थी। उसके बाद उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसके बाद हेबियस कॉर्पस के तहत इस गिरफ्तारी को इलीगल बताते हुए, अवैध बताते हुए नवाब मलिक ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में याचिका डाली और कहा कि जिस तरीके से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है यह अवैध है और इन्हें तुरंत रिहाई मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक के जो है दाऊद इब्राहिम से साठगांठ की खबरें आने के बाद राष्ट्र सुरक्षा से इसे जोड़ के देखा जाने लगा, और BJP के जो कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र में वो लगातार नवाब मलिक से जो है इस्तीफे की मांग करने लगे, उनकी सरकार से कहने लगे कि नवाब मलिक से वो इस्तीफा मांगे, क्योंकि वो जेल के सलाखों के पीछे है, गंभीर आरोप उन पर लगा हुआ है। इसके बावजूद महाविकास अघाड़ी की सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये पॉलिटिकल जो है राजनीतिक प्रेरित आरोप है, राजनीति प्रेरित जो है एक्शंस लिए जा रहे हैं। संजय राउत का भी कई कुछ बयान था, सेंट्रल एजेंसीज के साथ साठगांठ हो चुका है, BJP इस तरीके का काम करती है, तो ये सारा कुछ देखने के लिए मिला। और इसके बाद इस पूरे मामले में कई सारा जो है मनी लॉन्ड्रिंग का विवाद निकल कर आया, एक नहीं कई मामले, हमने आपको पहले बोला कि 5 में से 4 ऐसे बिल्डिंग्स थे, चीजें थी जहां पर ये जो अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है देखने के लिए मिला। अब इसमें कई सारे जो है कंपनी सॉलिडस का नाम भी आया था, जिसमें 25% शेयर होल्डर जो है नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक थे, और अभी एक और जो है बॉम्बे की कुर्ला वाला जो केस हम आपको बता रहे हैं उसमें, और इसीलिए ईडी लगातार उनसे बातचीत करना चाहती है। उन्हें इससे पहले जब तलब किया गया था तो उन्होंने काम का हवाला देके वो पेश नहीं हुए थे, दूसरा तलब उन्हें किया गया था और वो कल की डेट थी यानी कल उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, ईडी उनसे पूछताछ करने वाली थी, लेकिन कल भी फराज मलिक ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब ईडी उन्हें तीसरा समन जारी करने के लिए जो है अब अपनी तैयारियां पूरी तरीके से कर रही है। ये जल्द उन्हें तीसरा समन भी जारी किया जा सकता है। तो साफ तौर पर नवाब मलिक की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। नवाब मलिक ईडी के हवाले से खबर है कि ईडी ने 15 मार्च को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। यही दूसरी बार था जब एजेंसी ने फराज मलिक को तलब किया था। जल्द ही उन्हें तीसरा समन भेजा जाएगा और मुंबई के कुर्ला में मौजूद गोवा वाला बिल्डिंग के सौदे और भुगतान के बारे में ईडी फराज से पूछताछ करना चाहती है, जिसे लेकर उन्हें लगातार जो है तलब किया जा रहा है। तो साफ तौर पर नवाब मलिक पहले अपने दामाद को लेकर वो पूरे मामले में फंसे हुए थे, समीर खान को लेकर, उसके बाद फिर वो खुद बहुत सारे मामले में फंसते नजर आए, अब नवाब मलिक के बाद उनके बेटे फराज मलिक का भी नंबर आता लग रहा है। तो ऐसे में जो है उन्हें लगातार समन जारी किया जा रहा है, और ऐसे में उन्हें तीसरी बार यानी नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को तीसरी बार समन भेजने की तैयारी में इस वक्त जुट चुकी है ईडी। तो ऐसे में अपने पूरा मामला जाना कि किस लिए फराज मलिक को समन किया जा रहा है और नवाब मलिक से जुड़ी हुई सारी अपडेट हमने आपको संक्षेप में बताई है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।